Hey health junkies, क्या आप विटामिन डी अच्छे से ले रहे हैं? जानती हूँ ये सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन विटामिन डी कैल्शियम को सोख लेता है जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो कहना सही होगा कि ये जरूरी है। बहुत से कारणों की वजह से विटामिन डी की कमी हो सकती है। इनमें शामिल है डाइट, उम्र और सूरज की रोशनी कम मिलना। आज हम उन साइंस के बारे में बात करेंगे जिनसे पता चलता है कि शरीर को विटामिन डी की जरूरत है। थकान से लेकर बाल झड़ने और जख्म जल्दी ठीक न होने तक हम बहुत सी चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला, थकान। जब आपके शरीर को ठीक तरह से विटामिन डी नहीं मिलता तो आप नोटिस करेंगे कि आपको बहुत थकान महसूस होती है। रात में अच्छी नींद आने के बाद भी क्या आपको दिन भर सोने की इच्छा से लड़ना पड़ता है? शायद इसकी वजह विटामिन डी की कमी हो सकती है। मेडिकल दुनिया में हाइपोविटामिनोसिस डी के रूप में मशहूर इस न्यूट्रिएंट की कमी से बहुत से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। थोड़ी या बिल्कुल भी एनर्जी ना होना एक अच्छी शुरुआत नहीं। वो लोग जो बहुत थकान होने के कारण डॉक्टर के पास जाते हैं, उनमें विटामिन डी की कमी पाई जाती है। उनके एनर्जी लेवल को सामान्य करने के लिए उन्हें अक्सर किसी तरह का सप्लीमेंट दिया जाता है। एक विशेष मामले में एक महिला के विटामिन डी का लेवल 39 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर से बढ़ा, जिससे उसकी सारी समस्याएं ठीक हो गईं। देखिए, आपके शरीर में ब्लड वेसल्स की कमी से थकान महसूस होती है। अगर आप विटामिन डी का सेवन नहीं करेंगे तो इससे आपका मूड और एटीट्यूड प्रभावित होगा, जो हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर लाता है। दूसरा, डिप्रेशन। साफ तौर पर कहा जाए तो विटामिन डी की कमी से आप खुद को एकदम बेकार महसूस कर सकते हैं। सच में दुख तो ये है कि हम सब इससे गुजरते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन डी ना केवल आपकी हड्डियों को कैल्शियम देता है, बल्कि अन्य जरूरी काम भी करता है। हमारे दिमाग को ठीक से काम करने के लिए भी विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। इंसान के दिमाग पर की गई 2005 की एक स्टडी बताती है कि दिमाग का जो हिस्सा डिप्रेशन से संबंधित है, उसमें विटामिन डी के रिसेप्टर्स मिले हैं। वैसे तो डिप्रेशन किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन ये बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा दिखाई देता है। डिप्रेशन से पीड़ित बड़ी उम्र के लोगों में अक्सर विटामिन डी की कमी पाई जाती है। ये खासकर सीजनल डिप्रेशन के लिए सच है, जो अक्सर ठंड के मौसम में होता है, जब लोगों का इमोशनल पॉइंट सबसे कम हो। स्टडीज बताती हैं कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों को विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स देने से उनकी इस मानसिक बीमारी का इलाज किया जा सकता है। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए कितने विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। वेल, ये आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र 19 से 70 साल के बीच है तो लगभग 600 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट्स लेना अच्छा होगा। गर्भवती महिलाओं को भी इतना ही लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो 800 IU लेना अच्छा रहेगा। तीसरा, हड्डियाँ कमजोर होना। हालांकि ये उम्र बढ़ने के प्रोसेस का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन ऐसा कम उम्र में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो अपने विटामिन डी का लेवल चेक कराएं। कैल्शियम को सोख कर हड्डियों की मजबूती बनाए रखना विटामिन डी का काम है। अगर आपकी बोन डेंसिटी कम है तो इसका मतलब आपको कैल्शियम की सही खुराक नहीं मिल रही। 2015 में हुई एक स्टडी बताती है कि जो महिलाएं मेनोपॉज से जूझ रही हैं, उनमें लो बोन मिनरल डेंसिटी और लो विटामिन डी पाया जाता है, और समय गुजरने के साथ साथ उनमें हड्डियां कमजोर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो बड़ी उम्र के लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। विटामिन डी की सही खुराक लेकर और अपने ब्लड प्रेशर को जाँच कर आप हेल्दी बोन डेंसिटी बनाए रख सकते हैं। टूना, सैल्मन, मैकरेल, एग योक, चीज और संतरे के जूस से बड़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अगर आपको ज्यादा चिंता हो तो डॉक्टर की राय लें। चौथा, बाल झड़ना। पहले हड्डियाँ, अब बाल। अगर आप युवा हैं तो बाल झड़ने से ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब विटामिन डी कम हो तो ऐसा ही होता है। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं, लेकिन न्यूट्रिएंट की कमी से बाल, विशेष रूप से महिलाओं के बाल, झड़ सकते हैं। विटामिन डी नए बाल उगाने में सहायता करता है। जब आपकी खुराक कम होगी तो जड़ें मजबूत नहीं होंगी और बाल झड़ेंगे। यहाँ एलोपेशिया एरियाटा का जिक्र करना भी जरूरी है। ये एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके बाल रैंडम पैचेस में झड़ते हैं। एलोपेशिया से पीड़ित लोगों में भी उन लोगों के मुकाबले बहुत कम विटामिन डी पाया गया है जिन्हें ये बीमारी नहीं है। पांचवा, घाव ठीक होने में देर लगती है। क्या आपकी चोट पहले की तरह जल्दी ठीक नहीं हो रही? आप इस बात का ध्यान रखें कि आप विटामिन डी की सही खुराक ले रहे हों। सोचिए, ऐसा कोई घाव हो जिससे खून बहना ना रुके तो? जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनके साथ ऐसा ही होता है।
इस बीमारी से निजात पाने के लिए आपको बहुत सा चीज और सालमन खाना चाहिए। 2012 में की गई एक स्टडी के मुताबिक पैर के अल्सर वाले मरीजों में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी पाई गई। जब आपको चोट लगती है तो आपके शरीर को ठीक होने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बैलेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही कटिया खरोंच के बारे में है। घाव के ठीक होने के प्रोसेस में विटामिन डी बहुत जरूरी है। आपके स्किन सेल्स कैथलिसिडिन बनाने वाले अपने जीन्स के कंट्रोल पर डिपेंड करते हैं। ये कैथलिसिडिन आपके इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन और घाव से लड़ने में मदद करता है। अगर घाव जल्दी ठीक नहीं होता तो उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए जल्दी से उसका इलाज किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन के साथ और भी कई इश्यूज खड़े हो जाते हैं। छठा, आप बीमार महसूस कर रहे हैं। याद है जब मैंने कहा था कि विटामिन डी की कमी से आप खुद को एकदम बेकार महसूस कर सकते हैं? डिप्रेशन तो केवल एक छोटा हिस्सा है, आप सच में बहुत खराब महसूस कर सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो एक साथ डिप्रेस्ड और बीमार रहना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुखाम रहता है उन्हें अपना विटामिन डी का लेवल चेक कराना चाहिए। आपके हमेशा बीमार रहने की ये एक वजह हो सकती है। विटामिन डी का मुख्य सोर्स है सूरज की रोशनी। क्या आपको पता था कि सबसे ज्यादा विटामिन डी हमें गर्मियों में मिलता है, क्योंकि हम सूरज की किरणों में ज्यादा समय बाहर बिताते हैं। सर्दियों में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, जब मौसम ठंडा होता है और बादल छाए रहते हैं, इसलिए आपको सर्दी जुखाम ज्यादा होता है। इस समय आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहना चाहिए। आपके शरीर में जितना हो सके कीटाणु और बैक्टीरिया के खिलाफ सारा डिफेंस होना चाहिए। विटामिन डी एक ताकतवर हथियार के रूप में काम कर सकता है। अगर आप हाइपोविटामिनोसिस डी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो चांसेस इस बात के हैं कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं, क्योंकि उसकी सहायता करने के लिए विटामिन डी साथ नहीं। स्टडीज बताती हैं कि जिन्हें सांस की नली में इन्फेक्शन होता है उनमें अक्सर विटामिन की कमी पाई जाती है। यहाँ हम निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की बात कर रहे हैं। सातवा, हड्डियों में दर्द। क्या हड्डियाँ कमजोर होना काफी नहीं था? हम सभी को कभी ना कभी हड्डियों में दर्द हुआ है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। लेकिन अगर आपका विटामिन डी का लेवल कम हो तो ये आपके साथ अक्सर हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के जरिए आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। तो ये साफ है कि अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो हड्डियों में दर्द होगा ही। आपको कमर के निचले हिस्से के दर्द के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरा होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां शारीरिक मेहनत की जरूरत है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बहुत सी स्टडीज बताती हैं कि विटामिन डी की कमी से कमर के निचले हिस्से का तेज दर्द बढ़ सकता है। 2015 की एक स्टडी ने कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द वाले मरीजों पर फोकस किया और उनके दर्द को हाइपोविटामिनोसिस डी से जुड़ा पाया। आठवां, हाई ब्लड प्रेशर। क्या आपका ब्लड प्रेशर हाल ही में तेजी से बढ़ा है? क्या आप इसकी वजह ढूंढ रहे हैं? हाइपरटेंशन की बहुत सी वजहें हैं और उनमें से एक है विटामिन डी की कमी, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। हाई ब्लड प्रेशर से दिल की अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। हालांकि रिसर्च अभी भी चल रही है, लेकिन कुछ स्टडीज ने इन बीमारियों की वजह विटामिन डी की कमी को बताया है। 2017 में की गई एक स्टडी बताती है कि विटामिन डी का असर हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। अच्छा होगा कि जिन्हें हाइपरटेंशन है वो अपने विटामिन डी का लेवल चेक करा लें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर और विटामिन डी के बीच सीधा संबंध होता है। क्या आपको विटामिन डी की सही खुराक मिल रही है? क्या आप ये वीडियो देखने के बाद फिर से चेक करेंगे? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपसे सुनकर हमें बहुत खुशी होगी। अगर हमने आपको ऐसे ही और वीडियोस के बारे में नहीं बताया तो हम आपके बेस्टी कैसे हुए? लेफ्ट या राइट वीडियो पर क्लिक कीजिए।